डुमरी विधानसभा उपचुनाव की नवनिर्वाचित विधायक बेबी देवी ने 26 सितंबर को झारखंड विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की। स्पीकर कक्ष में आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में बेबी देवी के समर्थक झारखंड विधानसभा स्थित स्पीकर कक्ष में मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद बेबी देवी ने स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो को पुष्प गुच्छ भेंट की। स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने बेबी देवी के झारखंड विधानसभा का सदस्य होने की घोषणा करते हुए उन्हें बधाई दी। इस मौके पर बेबी देवी ने कहा कि वे अपने दिवंगत पति जगन्नाथ महतो के सपने को पूरा करेंगी। अपना क्षेत्र काम करेंगे, मंत्री जी के अधूरा काम है, सपना पूरा करेंगे। क्या कुछ प्राथमिकता में कौन कौन सा काम जो सबसे पहले की? जैसे मंत्री जी करते थे वो सब हम करेंगे। अब समय काफी कम है और लोड आपके पास, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा आपके क्षेत्र की जनता को लेकर। समय निकाल के करेंगे। जो मैम, जैसे एक जो जगन्नाथ बाबू का सपना था कि डुमरी को जिला बनाएंगे, उसको लेकर भी आप प्रयास करेंगे? बात करेंगे ना सीएम साहब से। ठीक कि आज निर्वाचन क्षेत्र संख्या 33 डुमरी विधानसभा का हाल में चुनाव संपन्न हुआ और चुनाव संपन्न होने के क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में श्रीमती बेबी देवी विजय श्री हासिल की, जिसका आज मेरे सभा कक्ष में शपथ ग्रहण समारोह था और शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के असामायिक निधन के बाद खाली हुए डुमरी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में बेबी देवी ने एक बार फिर इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा बरकरार रखने में सफल हुई हैं। अपने पति के सपनों को साकार करने, घरेलू जीवन से राजनीति के क्षेत्र में उतरी बेबी देवी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट में चुनाव से पूर्व जगह देकर उत्पाद मंत्री की जिम्मेदारी दी थी, जो अभी भी बरकरार है। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।